नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं इंसान का बचपन गीली मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसे ढाल दो इंसान वैसा बन जाता है। बचपन का माहौल सीधे बाकी की पूरी जिंदगी तय करता है। कई बार बचपन में मिले जख्म इतने गहरे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भर पाते, और कई बार इंसान उस पर मलहम लगाने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता है जिसके खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। हमारा आज का ये केस ऐसी ही एक दास्तां पे आधारित है। गुड्डू, दो प्लेट कचौरी और एक पूरी भाजी। भैया, दो प्लेट कचौरी कर दो और एक पूरी भाजी। क्या हुआ? कल रात को हम लखनऊ से आए हैं, ऐसा क्या हुआ? सुबह सुबह आग लग गई, हमको बुला लिए। भैया, उस राघव को सबक सिखाना जरूरी है, अल्लाह रिंकू का पीछा छोड़ ही नहीं रहे। इतना बता दो कब और कहां मिलेगा। ए या कहा थूक दिए बे, थूकने की जगह है। अरे थूक दे तो कहा हुआ, साफ कर ले। बोल साला, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तुम यहाँ वहां थूके जा रहे हो। ज्यादा पचड़ पचड़ किए ना तो यही कंटाप लगा देंगे, समझे? साले तुम हमको कंटाप मारोगे, हमको कंटाप मारोगे, समझे? खेल देंगे साले, जानते नहीं हो तुम हमको अभी। अरे सुधीर भैया काहे गरमा रहे हैं, हम साफ कर दे रहे हैं। सीखिए कुछ, चल और कहीं खाते हैं। कमीने हैं साले, कहां आप छोटी छोटी बात पे गरमा जाते हैं। देखिए पूरी जल रहा है। हाँ कर रहे हैं जाना, और भाभी का जन्मदिन भी है, तोहफा लेने जाना है ना। हाँ तोहफा लेने तो जाना है, लेकिन तुम अभी से भाभी भाभी काहे बोल रहे हो बे? अभी तो शादी भी नहीं हुई हमारी। चलो प्लेट दो दो। तो हमारी गुड़िया को दाल रोटी कौन खिला रहा है? हमने तो आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। वाओ, नूडल्स! ये खाना है? ये तो जहर है, और दाल में नमक कितना है? एक काम कर, किसी दिन मुझे जहर देके मार डाल। हमको तो नमक ठीक ही लग रहा है। हाँ लगेगा ही ना, आप तो इसी की तरफदारी कर रहे हो। अपने बेटे को तो खा गई, अब हमारे छाती पर बैठकर मूंग दल रही है। हर दिन तमाशा करना जरूरी है क्या? तमाशा तमाशा तो तब होगा ना जब समाज के लोग इस घर के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जिस तरह के इसके लक्षण हैं, क्या मैं जानती नहीं कि ये सुधीर गुंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाती है? अब इतनी सखी सावित्री बनने का ढोंग मत कर, अगर इतनी ही आग है ना तो चली जा अपने उस यार के पास। दादी, मम्मी को मत डांटो ना। तुम चुप करो, अपनी माँ की तरह जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ए! अगर आज के बाद अंजना को कुछ कहा या पाखी को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो बता दे रहे हैं जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अंजना, ये तुम दोनों के लिए कचौड़ी है। भाभी, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, मैं आपके घर ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? आपके बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और रो रही है, आपका ही नाम ले रही है बार बार। क्या, कहाँ है मेरी पाखी? मैं लेके चलता हूँ, आप बैठिए, मैं बाइक घुमाता हूँ। मुझे उसके पास ले चलो प्लीज भैया, जल्दी चलो। सुधीर! क्या हुआ? एक आदमी आया और मुझे, आपके बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। अरे रोक क्यों दिया? ये कहाँ ले आए हो हमें? अरे बहुत भोली हो यार तुम, है इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़े थे और तुम हमको भाव ही नहीं दे रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा नाटक वाटक हो जाए। अरे बहुत हुआ सराफत का नाटक। अच्छा ही बताओ, सुधीर से कितना पैसा ले लेती है? हा? अरे हम दोगुना दे देंगे भाई। छोड़ो हमें, क्या बदतमीजी है ये?
अरे रेट तो बताती जाओ। लेके चल मुझे। हाँ मनोज, क्या बोला तू अंजना को? अबे हम तो मजाक किए थे भाई। साले हम प्यार करते हैं उससे, आइंदा से कभी मजाक किए ना तो काट के गाड़ देंगे। बस साले तुम हमको धमकी दे रहे हो। छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं। तू पहला दिखना मत यहाँ पे, छोड़ेंगे नहीं साले। देखो ना, हमारे होते हुए कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। कितना लेगी? दो हजार। कुछ कम कर दे। दो हजार में आता है तो बोल, वरना चलता बंद। चल ठीक है, आ जा मुन्ना। सिर्फ 1000 रुपए? 2000 की बात हुई थी। मजा नहीं आया, निकल चल। 1000 और चाहिए मुझे। अरे अगर औकात नहीं थी तो क्यों दिया, आया क्यों? तो बोला ना निकल। ए मुन्ना चल। साले कुत्ते कमीने, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कुत्ते की मौत मरेगा तू। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, पैसे नहीं होते तो। इसका भी चेहरा पत्थर से घुस लग गया ताकि पहचान ना हो सके, लेकिन इसकी शिनाख्त हो गई। सर ये सोनू है, हाईवे पे धंधा कर। ये भी धंधे वाली है? जी सर, यहाँ हाईवे पे जो ट्रक्स चलते हैं उनके ड्राइवर इनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। और सर ये देखिए, ये गले पर और ये पैरों पर रस्सी के निशान, शायद इसी रस्सी से इसे बांधा गया और रस्सी से इसका गला दबा के मारा गया और फिर चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की। सर बॉडी के पास से ये पैसे मिले। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शर्मा ये जो हाईवे पे टोल नाका है इसके सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जी सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक ही हफ्ते के अंदर 3-3 प्रोस्टिट्यूट के खून हो गए, वो भी सेम मॉडस ऑपरेंडी के साथ। कहीं हमारा पाला किसी सीरियल किलर से तो नहीं पड़ा? सर लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि जिसने भी ये मर्डर्स किए हैं उसने पैसों को हाथ नहीं लगाया और ये रात चलती प्रोस्टिट्यूट उनके लिए आसान शिकार भी है। लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट से क्यों? सर पिछले दोनों केसेस की तरह इस केस में भी सोनू का गला लाल रंग की रस्सी से घोट के उसे मारा गया। उसके गले पे और हाथों पे लाल रंग की रस्सी के ट्रेसेस मिले। पर सर मरने से पहले सेक्स भी हुआ है, लेकिन जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले। कोई सीमेन सैंपल्स? सर पिछली केसेस की तरह सीमेन सैंपल भी मिला है, लेकिन किसी भी केस का सीमेन सैंपल मैच नहीं होता। इसका मतलब कातिल एक से ज्यादा हो सकते हैं और शायद मिलकर ही वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। सर हमें टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और पहले दो खून जिस एरिया में हुए उसके टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज से कंपेयर करने के बाद हमें 20 ट्रक और 5 टेम्पो कॉमन में मिले। सबके कुंडली निकालो। सर सर
अरे पवन देख, सामान उतारो ना, गाड़ी में माल आ गया। चलो भाई लोग चलो, चलो भाई सामान निकालो। अबे ये लाल रस्सी हमारी है, सामान के साथ नहीं है, अंदर रख, रख इसे, निकालो यार सामान निकालो सब फटाफट। हेलो दो चाय। अरे तुम लोग कानपुर आए हुए से आ रहे हो ना? हाँ। अरे सुना है हमने वहां पे आज भी एक धंधे वाली की लाश मिली है। अरे पुलिस पूछताछ कर रही है। गोपे भैया जोरों की भूख लगी है, सुधीर के ठेले पे जाके कचौड़ी खाते ना। अरे कचौड़ी भी खा लेना, पहले चाय तो पी लो। अगर यार ऐसे हाईवे पे खून होते रहे ना तो एक दिन ये हाईवे भी भूतिया बन जाएगा। बहू तो खुलेआम घूम रही अपने यार के साथ और लाश शराब बेच खाई है उसने, तो लगाम लगा के रख अपनी बहू पे वरना नाचेगी सर पे एक दिन। पाखी। हाँ मम्मा। ये देखो। वाह यार। थैंक यू मम्मा। ये आपके लिए मैंने नहीं सुधीर अंकल ने भेजा है। वाओ कितनी क्यूट डॉल है ये। निकल जाओ हमारे घर से, ये लो सामान और चली जाओ। मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। अरे क्या छोड़ो, जाओ यहाँ से, चल तू भी निकल। पापा क्या हम कहाँ जाएंगे? निकलो यहाँ से। भाभी आपके लिए कर। अरे पाखी बेटा क्या कर रही हो, आओ चलो बैठो अंदर। तुम क्यों खड़ी हो, आओ ना बैठो बैठो। देखो सुधीर को कुछ भी मत बताना, हम हाथ छोड़ते हैं। कैसी लगी कचौड़ी अंजना को, खाई उसने? पसंद आई? तू गया नहीं? भैया गए थे। अब फिर वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। शांत हो जाओ सुधीर, गुस्सा करके कुछ सही नहीं होगा। पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो प्लीज मेरे लिए। चौहा तुमने मुझे शांत कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाता। सिर्फ तुम ही जानती हो अंजना मेरा गुस्सा कैसे शांत करना है।
लाश है सर, ये भी प्रोस्टिट्यूट है, इसका नाम चंचल है सर, मोडस ऑपरेंडी सीन है, इसके सिर को इस पत्थर से कुचला गया सर, और ये देखिए गले पर और ये पैरों पर रस्सी के निशान है सर, लेकिन इस केस में लाश के पास ही ये चाकू मिला है, लेकिन पूरे बॉडी पर कहीं पर भी चाकू का वार नहीं। इसे लैब में भेजो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। गुप्ता, बच्चे के रोने की आवाज सर शायद यहाँ से आ रही है। इस बच्चे को यहाँ अकेला क्यों छोड़ा हुआ है सर? कहीं ये बच्चा इस औरत चंचल का तो नहीं? मुमकिन है सर, क्योंकि धंधे के टाइम पर अक्सर ये लोग ऐसा करते हैं, जब बच्चा संभालने को कोई होता नहीं है अपने साथ धंधे पर ले आती है। ठीक है, बच्चे को ले लो। हमारे आसपास न जाने कितने इंसान होते हैं जो इंसान के वेश में असल में जानवर होते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करें। ये लोग सेडिस्ट होते हैं जिन्हें दूसरों की तकलीफ में खुशी मिलती है, और पुलिस जल्द से जल्द इन जानवरों को पिंजरे में बंद करना चाहती थी, लेकिन तब तक मैं न जाने और कितनी जाने दांव पे लगने वाली थी। सर क्या ये सच है कि जितनी भी लाशें मिली है सारी औरतें धंधा करती थी? सर क्या ये सच है इसीलिए इस केस पे कुछ खास कार्रवाई नहीं की जा रही है? शायद पुलिस वालों को लगता है कि ऐसी औरतों की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है और कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही वो सीरियल किलर्स पकड़े जाएंगे। थैंक यू सर। सर एक सवाल और, जैसा सर ने कहा इस केस पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन जब तक खूनी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता तब तक कानपुर में दहशत का माहौल बना रहेगा। आप हैं कैमरामैन आशीष के साथ संध्या सिंह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये आपके लिए। Oh, thank you, uncle. Cute too. Happy birthday. आंटी, अरे केक तो खाओ, पाखी का बर्थडे है और बिना अंडे वाला केक है। अब ये तंग तो नहीं करती ना? सुधीर अंकल। नहीं, अब सब ठीक है। सर जो चाकू हमें चंचल की लाश के पास मिला उस पर लगा खून चंचल का नहीं है। इसका मतलब चंचल ने खुद को बचाने के लिए कातिल पर वार किया होगा और कातिल का खून उस चाकू पर आ गया होगा। कातिल का डीएनए अब हमारे पास है, ये एक बड़ा सबूत है। अरे रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे बड़े साहब से बात करनी है। बड़े साहब से बात करनी है। आने दो, बोलिए। साहब, हम चंचल और सोनू की तरह मरना नहीं चाहते साहब, हमें बचा लीजिए साहब। सर अब तो हर वक्त हमें पर्स में चाकू लेके घूमना पड़ता है, पता नहीं कब कौन कहाँ से हमला कर दे। हम तो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते साहब, मगर बच्चे का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चंचल का बच्चा आपके पास है ना सर, प्लीज आप उसे हमें दे दीजिए, हम सब मिलकर उसे पाल लेंगे। साहब हम लोग तो समाज में बदनाम है साहब, मगर मुसीबत के वक्त सुख दुख में एक दूसरे का साथ देती है साहब। देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और उनकी कद्र भी करता हूँ, लेकिन माफ कीजिए बच्चा हमने एनजीओ में भेज दिया है। और रही बात कातिल की, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सबको मार डाल, कि सबको भी मार डाल, तो जीने का कोई हक नहीं है। मार, मार, सबको मार डाल। लीजिए भैया आपकी पूरी और भाजी। प्याज दे भाई थोड़ा। और सुन, बर्तन धो दियो प्याज देके। यहाँ हमें तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। हमें ना नई नौकरी मिल गई है। अरे वाह, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, हमें ना? नहीं, जब तक तुम हमसे शादी नहीं करोगे ना तब तक हम नौकरी करेंगे। हमें ना पाखी के लिए बहुत कुछ करना है, और फिर इसी बहाने मम्मी जी से भी दिन भर दूर रहेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा मन है तो, पर कहाँ लगी नौकरी? वो मेन मार्केट है ना। हाँ? वहाँ पे एक दुकान है उसमें। अच्छा, पर अकेले तुम जाओगी तो? अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए ना, भाभी की जहाँ नौकरी लगी है उसी के सामने तो हमारी शॉप है। हाँ आप फिक्र मत करिए, इनका ख्याल हम रखेंगे।
ठीक है। अच्छा हम जाएं, बाकी हमारा इंतजार कर रही होगी। कचौरी दें? गुड्डू के हाथ भिजवा देना। ठीक है, बाय भाभी। कहाँ घूर रहे हो बे? कुछ नहीं, पूरी बढ़िया है। सर, ये गोपी का ही ट्रक है, यही एक आदमी हमारे हाथ में लग रहा है, और इसके ऊपर एक हाथ मर्डर का केस भी है, और इसके बीवी ने भी इसके ऊपर कंप्लेंट की थी। अगर ट्रक है तो वो भी आसपास ही होगा, या मार्केट में चेक करते हैं। सर ना ले ले, ले। कितना हुआ? 25, 25, 50। कुत्ता, वो दोनों ट्रक तक पहुंचे उससे पहले हमें जाना चाहिए। तुम अंदर चेक करो, आगे देखता हूं। सर सर ये देखिए सर, लाल कलर की रस्सी मिली। इसे लैब भिजवाओ, और गोपी की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। मुझे दोनों किसी भी कीमत पे चाहिए। सर मैम ये वाला कलर देखिए ना, ये आपकी बेटी भी बहुत सुंदर लगेगा। आप भी देखिए ये वाला, इतने सुंदर सुंदर कलर्स है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। अरे आप चारों ले जाइए, नहीं अच्छी लगी तो वापस ले आना, मैं वापस ले लूंगी। ओके थैंक यू। अंजना जब से तुम आई हो ना, सेल्स डबल हो गए। थैंक यू सर। मैं तो बहुत खुश हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा साइज क्या है? अंजना, 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 इस बार भी मेथी जला मत देना तुम। बस ठीक। अंजना, अंजना, क्या हो गया इसको? अंजना, तूने मारा है ना इसे? बोल, बोलता क्यों नहीं? पाकी, 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 दादी, इसे अंदर कैसे बंद कर दिया? ठीक तो है बेटा। माँ, मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना, मम्मी, दादी मम्मी को उठाओ ना, मम्मी उठ क्यों नहीं रही है, मम्मी? क्यों मारा थे? क्यों मारा बोल? बकवास कर रहे हैं आप? हम तो अभी अभी आए। बकवास, हम बताते हैं तुझे। हेलो, पूजा ये सुधीर इसके पास यहाँ बैठा हुआ था। किसी ने मारा होगा मेरे बहू को, उसके आगे पीछे घूमता रहता था। हमने नहीं मारा, क्यों झूठ बोल रहे तुम लोग? हम झूठ बोल रहे कि तू झूठ बोल रहा है? यहाँ बैठा था ना तो? आप शांत रहिए,
आपसे कहा ना शांत खड़े रहिए। सर मोडस ऑपरेंडी सेम है, सिर को पत्थर से कुचला गया, लेकिन सर अंजना का प्रोफेशन तो हाँ, ग्लास और ये पत्थर, ये कातिल शायद कोई जान पहचान का ही होगा, उसी के लिए इस ग्लास में शायद पानी लेकर आई होगी। दोनों एविडेंस बैग में डालो और फिंगरप्रिंट के लिए भेजो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शर्मा इस सुधीर को भी साथ में ले लो। चल अंजना का खून क्यों किया? सर हमने उसे नहीं मारा, हम तो उससे प्यार करते थे, हमारी कल ही बात हुई थी उससे। सुधीर मम्मी जी आजकल मुझे अजीब नजरों से देखती है। अंजना तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। सच्ची? मुझे इसलिए हम उसके घर गए थे लेकिन किसी ने पहले ही उसे मार दिया था। अपनी शादी की बात तू खुद करने वहां गया था, तेरा परिवार वो कहाँ है? तेरे परिवार को पता है तेरे इस रिश्ते के बारे में? हाँ हमेशा बीमार रहती है इसलिए हॉस्पिटल में, बहन की शादी हो गई है और भाई छोटा है इसलिए शादी की बात करने मैं ही जाने वाला था। पर अंजना के साथ ससुर, उनकी रजामंदी थी इसमें? सर हमें यकीन है उसके सास ससुर ने उसका खून किया है। अंदर डालो इसे। सर हमने कुछ नहीं किया, सर सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। शर्मा इसके घर की और ठेले की अच्छे से तलाशी लो। सर हेलो सर, हमने सुधीर का घर चेक किया लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। दादी माँ पे चिल्लाती थी, माँ रोती थी, दादी ने माँ को मारा भी था, दादी माँ बहुत बुरी है। और बेटा तुम्हारे दादाजी? वो भी बहुत गंदे हैं। अंजना तुम्हें अपनी सास की किसी भी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो पता ही है वो हर बात में जहर उगलती रहती है, पर तुम बिल्कुल चिंता मत, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। हम है ना? क्या कर रहे हो? खबरदार अगर हमें दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो, अगर सुधीर को बता दिया ना। देखो बेटा तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, हम तो तुम्हें बस दिलासा दे रहे थे। मम्मी, माँ चुप रहती थी क्योंकि मुझे और माँ को यकीन था कि सुधीर अंकल हमें यहाँ से बहुत दूर लेके चले जाएंगे। ये लो, तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने तो हमेशा अपनी बहू का साथ दिया। जब अंजना का खून हुआ कहाँ थे आप लोग? हम दोनों मार्केट में थे, पूछ लीजिए आप। पता लगा है हमें आप दोनों के बारे में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आप लोग। अब आप तो हम ही पे शक कर रहे हैं, हमने बताया ना हम घर पे नहीं थे उस समय, बल्कि मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि वो जो सुधीर है ना उसी ने हमारी बहू को जान से मारा होगा, बहुत गुस्से वाला है वो। हाँ इंस्पेक्टर साहब आप जिस तरह से समझ रहे हैं ना वैसे हमारी बहू थी नहीं, मोहल्ले में उसके काफी सारे आशिक घुमा करते थे, हो सकता है अगर सुधीर ने उसे नहीं मारा हो तो किसी और ही नहीं सही, पर अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। जब तक कातिल नहीं मिल जाता वो तो नहीं छूटेगा, फिलहाल जा सकते हैं। शर्मा जरा पता लगाओ ये सच बोल रहे हैं झूठ या बातों में हमें घुमा रहे हैं। सर सर हम अंजना के घर के आसपास पूछताछ कर रहे थे, लोगों ने बताया ये मोहन उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। साहब अब धंधे वाली औरत के साथ और क्या करें बताइए। धंधे वाली मतलब? मतलब वो सुधीर उसको पैसे देता था इसलिए उसको भाव देती थी, मतलब जिसने भी उसको पैसे दिए उसके साथ घूमती थी, हम भी उसके साथ घूमना चाहते थे इसलिए बार बार पूछ लेते थे। अच्छा अंदर डालो इसे, जरा पता लगा उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर पुलिस के सामने गुत्थी उलझती जा रही थी, सवाल ये था कि जिन दरिंदों ने सुनसान रास्तों पे औरतों के कत्ल किए थे
क्या उन्होंने दिन दहाड़े अंजना के घर में घुस के उसका भी कत्ल किया? पुलिस को अंजना के चरित्र से संबंधित जो जानकारी मिली थी क्या वो सही थी? और क्या इन सभी वारदातों में कोई भी संबंध था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या अंजना के खून के बाद वो दरिंदे चुपचाप बैठने वाले थे? इस औरत का नाम निराली है और पास ही में एक आदमी के साथ रहती है। सर, मर्डर का मोडस ऑपरेंडी सेम है। ये गले पर और पैरों पर रस्सी के निशान हैं। और सर, ये पत्थर से चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की। ये औरत काम क्या करती थी? सर, दूसरों के घरों में बर्तन मांजना, खाना बनाना वगैरह। ये औरत जिस आदमी के साथ रहती थी उसकी डिटेल्स निकालो, अपनी खबरियों को एक्टिवेट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हेलो, ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, हम अभी आते हैं। सर, वो भी मिल गया, उठा के लाओ इसे। सब हमने कोई गलती नहीं किया। हाँ, हम मानते हैं कि हम धंधे वालियों के साथ संबंध बनाते थे, कई बार बिना पैसे दिए भाग भी जाया करते थे, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है साहब। अच्छा, उस दिन तू अपना ट्रक छोड़ के क्यों भागा था? साहब, उस दिन गलती से एक गाड़ी को ठोक दिया था हमने, हमें लगा आप उसी केस के लिए हमारा पीछा कर रहे हो। तुझे लगा? जब तक सच ना बोले दोनों की तोड़ाई करो। सर, अंजना और निराली के गले पर भी लाल रंग के रस्सी के ट्रेसेस मिले हैं। ये कातिल का मॉडस ऑपरेंडी सेम है, लेकिन विक्टिम्स के पैटर्न बदल गए हैं। पहले हाईवे पर प्रोस्टिट्यूट्स के खून हो रहे थे, उसके बाद अंजना एक विधवा औरत का खून हुआ जो नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, और उसके बाद एक ऐसी औरत का खून हुआ जो बहुत पहले प्रोस्टिट्यूट थी। सर, हमको तो लगता है कि ये सारे मर्डर्स उस ट्रक ड्राइवर गोपी और उसके क्लीनर ने किए। हाँ, हो सकता है ये गोपी ही कातिल हो, क्योंकि सुधीर के पास अंजना को मारने का अभी तक कोई मोटिव सामने नहीं आया, ना ही उसके कपड़ों पर या बॉडी पर खून के ट्रेसेस मिले हैं। और सर, घर में जो ग्लास मिला था उस पे भी सिर्फ अंजना की उंगलियों के निशान है। शर्मा, एक काम करो, ये जो चंचल की बॉडी के पास चाकू मिला था उस पर लगे खून को ये गोपी और उसके क्लीनर से मैच करा के देखो, और ये अंजना की भी पूरी डिटेल निकालो। जी सर। हाँ सर, हम जानते हैं सामने की दुकान के मालिक को, उसका नाम प्रसाद है सर, लेकिन वो अभी गायब है। और सर, मुझे लगता है अंजना भाभी का खून उसी ने किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो ये सब कुछ करेगा? सर, हम बताते ना। ये देखो अंजना, हमें पता था तुम अपना साइज नहीं बताओगी, इसलिए हम अपने अंदाजे से खास तुम्हारे लिए लेकर आए। देखो, हमारी दुकान में कोई नहीं है, एक बार पहन के दिखाओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे चलो ना, चलो। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या? चलो चलो, ट्राई करो। छोड़िए, ओए, दिखा दिखाओ कैसा लगता है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ना भाभी, आप ठीक है? लगा ले। अभी सुधीर पे हो जाके हम कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे। गलती हो गया, माफ कर दो। चुप, आगे से। अच्छा, सब सिखाएंगे तुम्हें भाभी, अब चलिए बताते हम तुम्हें। मनोज, प्लीज सुधीर को इस बारे में कुछ मत बताना, पता नहीं वो गुस्से में क्या करेगा। पर भाभी, ये जो किए हैं, तुम्हें उनका गुस्सा पता है ना, बस कुछ मत बताना। चलो सर, अब हमें लगता है कि हमें भैया को बता देना चाहिए था, शायद भाभी आज जिंदा होती। सर, सर, जिस दुकान में अंजना काम करती थी उसका मालिक प्रसाद पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। और सर, जिस दिन अंजना का खून हुआ उस दिन प्रसाद का लोकेशन अंजना के घर के पास की थी। उसका मोबाइल अभी भी ऑन है? जी सर, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। अरेस्ट हिम सर। सर, इस केस में हमें और एक इंसान पर डाउट है। किस पर? सर,
खत्म हुआ जरा चूहे बिल्ली का खेल, चल बोल। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमको कुछ नहीं पता। उस दिन अंजना शॉप पर नहीं आई थी तो हम उसको देखने के लिए उसके घर पे गए थे। वहां गए तो हमने देखा कि एक लड़के ने पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। हम बहुत डर गए थे साहब, डर के वहां से भागे तो उस लड़के ने हमको पकड़ लिया और धमकी दिया कि अगर हमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो हमारा भी सर फोड़ देगा। उसके बाद हम वहां से भाग गए साहब। इस मैटर से हमारा कुछ लेना देना नहीं साहब, हमको छोड़ दो साहब, हमको छोड़ दो। उस लड़के को जानते हो? नहीं साहब। अरे शक्ल देखी थी, पहचान लोगे? जी 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 सर। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर, हाँ सर। सर गोभी के ट्रक में जो लाल रस्सी मिली थी उस पर किसी के भी खून या ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले, तो हो सकता है इस गोपी ने किसी दूसरे रस्ते का इस्तेमाल किया हो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ साहब, साहब निराली के साथ जो आदमी रहता था ना, उसका नाम रामशरण है। रामशरण कहाँ मिलेगा ये? निराली, उसका खून हुआ है, उसी के साथ रहते थे ना? हाँ साहब। अच्छा हुआ वो मर गई, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, हमें हमारे बेबी बच्चों से दूर कर दिया था उसने। ये तेरे चेहरे पे चोट कैसी है? ये तो साहब नहीं, 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 नहीं। हम बुरी तरह से कंगाल हो चुके साहब, हम तो बस अपने बेटे से मदद मांगने के लिए गए थे, पर सुधीर ने हमारा ये हाल कर दिया। सुधीर? कौन सुधीर? सुधीर हमारा बेटा, कमला नगर में ही रहता है, वहां उसका आलू पूरी और कचौरी का ठेला है साहब। तूने अपने बाप को पीटा था? हाँ पीटा था। तेरा बाप जिस औरत के साथ रहता था निराली, खून हो गया उसका, क्या जानता है उसके बारे में? धंधे वाली के चक्कर में मेरे बाप ने हम सबको छोड़ दिया, बस इतना ही जानते हैं उसके बारे में। और वो तेरी अंजना, उसके बारे में भी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, वो पैसे के लिए तेरे साथ में थी। क्या बकवास है? ज्यादा गर्मी मत दिखा सर, वो एक शरीफ औरत थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब से उसने जॉब करना शुरू किया था तब से पैसों से भी कोई मदद नहीं ले रही थी, और वैसे भी किसी अपने की मदद करना कोई गुनाह है क्या? अच्छा सर हम सच बोल रहे हैं, कमीने लोग खामखा शरीफ औरत को बदनाम कर रहे हैं। हाँ सर यही था सर। उठा के लाओ इसे। बोल। अंजना का मर्डर किया ना तूने? हमने कुछ नहीं किया सब। अच्छा ये रस्सी देख रहा है? तेरे घर से मिली है ये। अब बताएगा या और खातिरदारी करूं तेरी? बोल। और मनोज साहब कैसा है तुम्हारा? वो तुम्हारा डीएनए सैंपल लेना है और स्टूडियो की तलाशी लेनी। गुप्ता अंदर जाओ। अरे तुम यहाँ सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। पिछले बार भी जब हम यहाँ आए थे तुम ठीक से चल नहीं पा रहे थे, बता सकते हो क्यों? वो तो सर हम सीढ़ियों से गिर गए थे ना। फिर तुम्हारे डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि तुम्हारे पैर में चाकू या किसी नुकीली चीज से घाव किया गया है? टाके भी लगे, वो चाकू हमें मिल गया है और उस पे लगे खून से तुम्हारे खून को मैच करना है, और उसके बाद फिर सर यहाँ आइए। अच्छा को मार डाल, बाकी सबको भी मार डाल, कोई हक नहीं है, मार डाल सबको, मार डाल, मर जाए सब, कोई हक नहीं इन्हें जीने का, मार। और कौन था तेरे साथ?
सर हम बताते हैं सर हम बताते हैं सर, हमारा बाप सबके सामने उस धंधे वाले निराली को हमारे घर पर लेकर आता था, हमारी मौजूदगी में। अब तक आप घर के बाहर जो कुछ भी करते आए मैंने सब चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, पर अब बंद कीजिए ये सब। मेरे लिए तो कम से कम बच्चों के बारे में सोचिए, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है इन सबका। मैंने मनोज और ज्योति को अपने मायके भेज दिया, पर वहां कब तक रहेंगे वो, इसे बाहर निकाल दीजिए ना। अब तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है? तू बताएगी? ये मेरा घर है, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुझे शर्म नहीं आती मेरा घर बर्बाद करते हुए? निकल यहां से, बाहर निकल, निकल यहां से, जा। तेरा घर आबाद ही कब था? अपने आप को देख और इसको देख, इसकी खूबसूरती को देख। हमारा बाप हमारी माँ के सामने ही उस कमीनी के साथ खुलेआम। और एक दिन घर के सारे जेवर पैसा सब कुछ लेकर हमारा बाप उस निराली के साथ भाग गया सर। हमारे लिए नफरत उसके लिए दिन ब दिन बढ़ती चली गई थी। सब्र का बंधन टूटा जब एक दिन सर। क्या हुआ? क्या हुआ? रोकी रही है? क्या हुआ? भैया मेरा पति एक धंधा करने वाली के प्यार में तो चुका है और अपनी सारी कमाई उस पर लुटा देता है। हमें लगता है कि उसको कोई गुप्त रोग भी हो गया है। हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब हम क्या करेंगे भैया? हमारी माँ जिस नरक से गुजरी थी सर, उसी नरक से हमारी बहन भी गुजर रही थी। हमारा खून खौलता था सर, ये सब धंधे करने वाली औरतें सर ये सबके घर बर्बाद कर देती है। लेकिन अब और नहीं, इन सबको हमेशा के लिए सबक सिखाना जरूरी था, इसीलिए मैंने भैया के साथ मिलकर उन धंधे वालियों को मारना शुरू किया। उनके खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ देते थे ताकि उनमें डर पैदा हो और हमारे परिवार की तरह दूसरा कोई परिवार बर्बाद ना हो सर। पर हमारा बदला अभी भी अधूरा था और अचानक एक दिन हमारा बाप पैसों की भीख मांगता हुआ हमारे सामने आया, तब जाकर हमें पता लगा उसका और निराली का। फिर निराली को मारकर हमारा बदला पूरा हुआ और हमें सुकून मिला। सिर्फ एक औरत ने तुम्हारा घर बर्बाद किया था और तुमने उसके बदले में इतनी सारी औरतों को मार दिया। किसी की भी जान लेने का तुम लोगों को कोई हक नहीं था। तुम्हारा घर पहले बर्बाद नहीं हुआ था, अब तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ है। और वैसे तुम्हें पता है अंजना का खून किसने और क्यों किया? बोल बोल सब। हमने सुधीर भैया और मनोज भैया को बात करते हुए सुना था कि कैसे ये दोनों धंधे वालों का कत्ल करते हैं, और फिर एक दिन हमने जब इनका पीछा किया तो हमने देखा कि ये दोनों एक औरत को जान से मार रहे थे साहब। और उसके बाद जब एक के बाद एक खून की खबरें आने लगी हम समझ गए थे कि ये इन्हीं दोनों का काम है, और तब हमने गुड्डू। तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। वो हम यहाँ से गुजर रहे थे और बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, तुम बैठो हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं।
अगर तुमने इस बारे में कहीं भी मुंह खोला ना तो तुम्हारा मूवी इसकी तरह फोड़ देंगे, समझे? निकल। हम अंजना भाभी के खून में इन दोनों को फंसाना चाहते थे ताकि जब ये दोनों जेल चले जाएं, तब हम इनका टेला अपने नाम करा ले। अब समझ में आया अपनों को खोने का दर्द क्या होता है? इतनी सारी मासूम औरतों की जान ले ली तुम लोगों ने, वो भी किसी परिवार का हिस्सा थी, भले पत्नी न सही किसी की माएं थी, और उन्हें मारकर उनके बच्चों से अलग कर दिया तुम लोगों ने सिर्फ अपने लालच और अपने बदले की आपको शांत करने के लिए। तुम जैसे दरिंदों की जगह जेल में है, सारी जिंदगी सड़ो जेल में। गुड्डू को अंजना को मारने के इल्जाम में सजा मिली और मनोज और सुधीर दोनों को 5 औरतों को मारने के इल्जाम में सजा मिली और शायद उन्हें आगे फांसी की सजा भी मिलेगी। किसने सोचा था कि बचपन में हुए अन्याय के कारण ये दो लड़के बड़े होके समझदार होके भी इतनी क्रूरता दिखाएंगे? माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के कोमल मन को नजाकत के साथ वो संभाले, जिंदगी के बड़े बड़े बदलावों के लिए वो उन्हें तैयार करें। अगर आपको अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है तो जरूरी है कि पहले खुद अच्छे इंसान बने, अपने आचरण को ठीक करें, क्योंकि बच्चों के लिए पहली प्रेरणा उनके माँ बाप होते हैं। ये माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को ऐसा माहौल दे जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस करें और फिर यही सुरक्षित माहौल वो बच्चे बड़े होकर औरों को देंगे। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।